हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित रे और आप देख रहे हो अमित टेक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप व्हाट्सएप पे को इनेबल करोगे, किस तरीके से उसमें यूपीआई आईडी क्रिएट करते हैं और किस तरीके से व्हाट्सएप पे का यूज़ करके आप मनी सेंड या रिसीव करोगे, वो मैं आज के इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप भी व्हाट्सएप पे को यूज़ करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इसी तरीके का वीडियो फ्यूचर में भी देखने को मिले। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से व्हाट्सएप पे को सेटअप कर दे। व्हाट्सएप पे को इनेबल करने के लिए आपको सिंपली अपने व्हाट्सएप पर थ्री डॉट पर क्लिक करना होगा। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो सिंपली आपको पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐड पेमेंट मेथड, मतलब आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट लिंक करना होगा पेमेंट करने के लिए। तो सिंपली बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए आपको ऐड अ पेमेंट मेथड पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको और इसका टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद इसके लिए आपको यहाँ पर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जितने भी बैंक्स है सारे बैंक्स का लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो आपके मोबाइल नंबर पर जो बैंक रजिस्टर्ड है सिंपली आपको उस बैंक को सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर अपने बैंक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अपने बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए आपके अकाउंट पर कम से कम एक रुपये का बैलेंस होना चाहिए। तो सिंपली मैं यहाँ पर बैंक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिंपली आपको यहाँ पर आप वेरीफाई एसएमएस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ परमिशन मांगेगा, आपको वो अलाउ कर देना है। तो यहाँ पर आपको अभी सिंपली एसएमएस के थ्रू अपने बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना होगा। आपके मोबाइल नंबर पर जितने भी अकाउंट्स लिंक है वो सारे यहाँ पर आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर मेरे इस मोबाइल नंबर के साथ दो बैंक अकाउंट्स लिंक है। तो सिंपली आप मुझे अपना बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना होगा कि इस बैंक अकाउंट को मैं यूपीआई के साथ लिंक करना चाहता हूँ। तो सिंपली मैं अभी यहाँ पर बैंक अकाउंट के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करूँगा। तो सिंपली यहाँ पर एक एसएमएस आ गया है, यहाँ पर दिखा दिया है बैंक अकाउंट एडिटेड, यू कैन नाउ रिसीव पेमेंट ऑन व्हाट्सएप यूजिंग UPI। टू सेंड पेमेंट्स यू विल नीड टू क्रिएट और वेरीफाई योर UPI पिन। तो सिंपली आप मैं यहाँ पर डन पर क्लिक करूँगा। डन पर क्लिक करने के बाद मेरा अकाउंट यहाँ पर लिंक हो गया है। तो आप मुझे सिंपली अगर आप यहाँ पर और भी पेमेंट मेथड ऐड करना चाहते हो तो सिंपली आपको यहाँ पर फिर से ऐड पेमेंट मेथड पर क्लिक करना होगा। तो उसके बाद आप फिर से बैंक अकाउंट लिंक कर पाओगे। तो चलिए मैं अभी उसी अकाउंट से पेमेंट ट्रांसफ़र करके बताता हूँ। यहाँ पर आपका UPI आईडी दिखाई देगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर अगर क्लिक करोगे तो आपका अपना आपका ये आपका QR कोड है, इस QR कोड को शो करके आप मनी रिसीव कर सकते हो किसी भी UPI ऐप से। तो एग्जांपल के लिए मैं अभी आपको दिखाऊंगा एक पेमेंट करके, मैं अपने गूगल पे से आप पेमेंट करके दिखाऊंगा कि पेमेंट रिसीव होता है कि नहीं होता है। तो इसके लिए सिंपली मैं गूगल पे को ओपन करके यहाँ पर UPI आईडी और कीबोर्ड कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं UPI आईडी को यूज़ करके यहाँ पर पेमेंट सेंड करके देखता हूँ पेमेंट होता है कि नहीं। इसके लिए मैं अपना UPI आईडी को यहाँ पर पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद अभी यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद ये UPI आईडी वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर सिंपली पे करता हूँ। उसके बाद मुझे अपना UPI पिन एंटर करना होगा, तो मैं अपना UPI पिन एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा पेमेंट यहाँ पर सिंपली सक्सेसफुल हो गया है। आप ये व्हाट्सएप को ओपन करके दिखाता हूँ आपको।
ये देखिए आपको यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है रिसीव फ्रॉम, ये पर देखिए प्लस 20 रुपीज़ कॉम्प्लीटेड। सिंपली यहाँ पर क्लिक करूँ, यहाँ पर क्लिक करके मैं पेमेंट के डिटेल्स को भी चेक कर सकता हूँ। तो मेरे अकाउंट में सक्सेसफुली 20 रुपीज़ ऐड हो गया है। आप अगर आप व्हाट्सएप पे का यूज़ करके किसी को पेमेंट सेंड करना चाहते हो तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है नीचे न्यू पेमेंट। तो सिंपली आपको न्यू पेमेंट पर क्लिक करना होगा। न्यू पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको यूपीआई पिन सेटअप करना होगा। इसके लिए आपको यहाँ पर वेरीफाई डेबिट कार्ड, आपको अपने डेबिट कार्ड को वेरीफाई करना होगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डेबिट कार्ड के लास्ट 6 डिजिट को और एक्सपायरी डेट और मंथ को यहाँ पर मुझे एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद मेरे कार्ड डिटेल्स को वेरीफाई करना होगा। तो चलिए मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। तो डेबिट कार्ड डिटेल्स एंटर करने के बाद सिंपली मुझे वेरीफाई कार्ड पर क्लिक करना होगा। वेरीफाई कार्ड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सेटअप यूपीआई पिन। इसके लिए मैं सिंपली सेटअप यूपीआई पिन पर क्लिक करूँगा। तो मुझे बैंक की तरफ से जो ओटीपी मिला है उस ओटीपी को मैं मुझे यहाँ पर एंटर करना होगा। ओटीपी वेरीफाई हो जाने के बाद सिंपली अब मुझे यूपीआई पिन सेट करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर यूपीआई पिन सेट कर लेता हूँ। पिन एंटर करने के बाद यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको अपने पिन को यहाँ पर फिर से कन्फर्म करना होगा। अभी मेरा यूपीआई पिन सेटअप हो जाएगा। मनी सेंड करने के लिए आपको सिंपली न्यू पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। न्यू पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यूपीआई आईडी एंटर करके और यहाँ पर आप स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप व्हाट्सएप पेमेंट को एक्टिवेट कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।